आज आप चुप्पी तोड़ रही है, क्यों? आज का दिन आपने क्यों चुना है? सुशांत ने बताया मुझे। सुशांत मेरे सपने में आया था और काफी लोगों के सपने में आ रहा है आजकल जो उसे कभी जानते भी नहीं थे। और उसने बोला कि तुम्हें स्पीक द ट्रूथ, जाके सबको बोलो तुम क्या हो, हमारा रिश्ता क्या था और क्या है। मैं उस रिश्ते पर आऊंगा, मैं आरोपों पर ही आऊंगा, बट पहले रिश्ते पर आते हैं। जी, आप अपने और सुशांत के रिश्ते के बारे में हमें बताइए, कब मिले, कैसे मिले, ये रिलेशनशिप शुरू कैसे हुई? तो सुशांत और मैं काफी साल से दोस्त हैं। हम लोग 2013 में यशराज स्टूडियोज में मिले थे। मेरी पहली फिल्म रिलीज हो चुकी थी और उनकी फिल्म काई पोचे रिलीज होने को थी या बस हुई थी, और वो YRF आ रहे थे, न्यू टैलेंट बने थे। वी आर द सेम मैनेजर उस वक्त भी, और हम लोग YRF के जिम में इंट्रोड्यूस हुए और फिर कभी कभी यहाँ वहाँ अवार्ड शोज पे मिलना जुलना होता था। हम लोग काफी अच्छे दोस्त थे, शायद साल में एक बार भी मिलते हों, बट पूरी बात करते थे कि कैसा है सब कुछ, पूरी मतलब सारी अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर लेते थे। उसी दौरान मुझे अच्छा लगता था तभी भी, और लगता था कि यार लेकिन कुछ अलग है, कुछ अलग किस्म का लड़का है, इसके साथ ना बैठ के बात करनी पड़ेगी, पूरी बात करनी पड़ेगी। और फिर अप्रैल 2019 13 अप्रैल सुशांत और मैं रोहिणी अय्यर जी की पार्टी पे मिले। वहाँ से हमारा रिश्ता फिर एक्चुअली शुरू हुआ। और प्यार तो सुशांत ने तो बोला उसको एक ही दिन में हो गया, पर मैंने एक्चुअली बोला था कि 2-3 महीने दो मुझे, मैं बताती हूँ, ये आई लव यू जो वर्ड है बहुत बड़ा वर्ड है, और मुझे क्या पता था कि इस आई लव यू वर्ड की सजा मुझे अब तक इस तरह काटनी पड़ेगी।